मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, एक बयान आपका वायरल हो रहा है कि आपने ये कहा है कि विनेश फोगाट अगर राजनीति में आए तो भाजपा उनका स्वागत करेगी, उनसे विधानसभा या राज्यसभा के ऊपर विचार कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी हमारे न्यूज चैनल साथियों कहा है, ये विनेश फोगाट जी के इच्छा की बात है, विनेश फोगाट जी ने क्या करना है, लेकिन मेरा मानना है वो खेल में जो समझता हूँ जो सम्मान आज पूरे देश में उनको मिल रहा है उनको उसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए और आज देश उनकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ जो नुमाइंदे बहुत कम ही पैदा होते हैं जो देश और उसके लिए काम करते हैं। हुड्डा साहब ने ये कहा है कांग्रेस की तरफ से कि अगर उनके पास संख्या बल होता तो वो विनेश को राज्यसभा भेज देते। हुड्डा साहब शायद भूल गए हैं, 2014 से पहले उनके पास संख्या बल भी था, उनके पास नेतृत्व भी था। जब उनको याद आई दीपेंद्र हुड्डा की, जब उनको याद आई किसी पूंजीपति की, जब किसी को याद आई किसी और की, जब उन्होंने युवाओं की याद नहीं आई। आज जब भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, आज भारतीय जनता पार्टी खेल नीति के कारण आज जो युवा देश का, जो हरियाणा का एक जो हमारी जो कैश अवार्ड का हो, चाहे जो उनको नौकरी देने की बात कहो, इतनी अच्छी पॉलिसी के कारण आज हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। आज उनको याद आती है राज्यसभा की, और पीछे जब उन्होंने कांग्रेस का एक सांसद जाना था राज्यसभा से, जब उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया, जब उन्होंने क्यों नहीं लिया हमारे नीरज चोपड़ा का नाम लेते या किसी भी ओलंपियन का नाम लेते, मैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, भाईचारा खराब करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो विनेश फोगाट है उन्हें रजत पदक की नहीं बल्कि जो गोल्डन जो गोल्ड पदक विजेता है उस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए। मेरा तो मानना है जिस प्रकार उनके काम चल रहे हैं, जो देश को बेड़ा गर्क करने का काम जो आम आप पार्टी कर रही है, अगर वो इस बात करते हैं तो मुझे लगता है शायद अरविंद केजरीवाल जी को भी कोई ना कोई पद देना चाहिए। 17 तारीख को आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, क्या कार्यक्रम और कहां पर ये कार्यक्रम होगा? सम्मान समारोह रोहतक में किया जा रहा है, जो हमारे खिलाड़ी जो ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करने गए या जो ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता है उनका एक सम्मान कार्यक्रम रोहतक में रखा गया है, जिसमें हमारे खिलाड़ियों को जो पॉलिसी अनुसार गोल्ड मेडल पर हम 6 करोड़ रुपये और सिल्वर मेडल पर हम 4 करोड़ रुपये, 2.5 करोड़ रुपये हम ब्रॉन्ज मेडल पर दे रहे हैं, और खिलाड़ियों को जो नियुक्ति पत्र में पहली बार आज प्रदेश में ऐसा हो रहा है, घोषणाएं बहुत मुख्यमंत्रियों ने की हैं, लेकिन आज जब हमारे खिलाड़ी पहली बार मेडल लेकर के जब पहली बार मुख्यमंत्री जी के आसपास के उनसे मिलने गए तो नियुक्ति पत्र एक गजेटेड ऑफिसर का, जो डिप्टी डायरेक्टर का नियुक्ति पत्र जो देने का काम किया, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है और इससे बड़ा उदाहरण किसी पार्टी को कुछ हो नहीं सकता। तो ये थे खेल मंत्री संजय सिंह, जिनका सीधे तौर पर कह रहा है कि विनेश के ऊपर राजनीति जरूर कर रही है कांग्रेस, लेकिन भाजपा खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा रही है, और इसी कड़ी में 17 तारीख को रोहतक में एक कार्यक्रम किया जाएगा जहां खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, एक बयान आपका वायरल हो रहा है कि आपने ये कहा है कि विनेश फोगाट अगर राजनीति में आए तो भाजपा उनका स्वागत करेगी, उनसे विधानसभा या राज्यसभा के ऊपर विचार कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी हमारे न्यूज चैनल साथियों कहा है, ये विनेश फोगाट जी के इच्छा की बात है, विनेश फोगाट जी ने क्या करना है, लेकिन मेरा मानना है वो खेल में जो समझता हूँ जो सम्मान आज पूरे देश में उनको मिल रहा है उनको उसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए और आज देश उनकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ जो नुमाइंदे बहुत कम ही पैदा होते हैं जो देश और उसके लिए काम करते हैं। हुड्डा साहब ने ये कहा है कांग्रेस की तरफ से कि अगर उनके पास संख्या बल होता तो वो विनेश को राज्यसभा भेज देते। हुड्डा साहब शायद भूल गए हैं, 2014 से पहले उनके पास संख्या बल भी था, उनके पास नेतृत्व भी था। जब उनको याद आई दीपेंद्र हुड्डा की, जब उनको याद आई किसी पूंजीपति की, जब किसी को याद आई किसी और की, जब उन्होंने युवाओं की याद नहीं आई। आज जब भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, आज भारतीय जनता पार्टी खेल नीति के कारण आज जो युवा देश का, जो हरियाणा का एक जो हमारी जो कैश अवार्ड का हो, चाहे जो उनको नौकरी देने की बात कहो, इतनी अच्छी पॉलिसी के कारण आज हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। आज उनको याद आती है राज्यसभा की, और पीछे जब उन्होंने कांग्रेस का एक सांसद जाना था राज्यसभा से, जब उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया, जब उन्होंने क्यों नहीं लिया हमारे नीरज चोपड़ा का नाम लेते या किसी भी ओलंपियन का नाम लेते, मैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, भाईचारा खराब करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो विनेश फोगाट है उन्हें रजत पदक की नहीं बल्कि जो गोल्ड पदक विजेता है उस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए। मेरा तो मानना है जिस प्रकार उनके काम चल रहे हैं, जो देश को बेड़ा गर्क करने का काम जो आम आप पार्टी कर रही है, अगर वो इस बात करते हैं तो मुझे लगता है शायद अरविंद केजरीवाल जी को भी कोई ना कोई पद देना चाहिए। 17 तारीख को आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, क्या कार्यक्रम और कहां पर ये कार्यक्रम होगा? सम्मान समारोह रोहतक में किया जा रहा है, जो हमारे खिलाड़ी
जो ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करने गए या जो ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता है उनका एक सम्मान कार्यक्रम रोहतक में रखा गया है, जिसमें हमारे खिलाड़ियों को जो पॉलिसी अनुसार गोल्ड मेडल पर हम 6 करोड़ रुपए और सिल्वर मेडल पर हम 4 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए हम ब्रॉन्ज मेडल पर दे रहे हैं। और खिलाड़ियों को जो नियुक्ति पत्र में पहली बार आज प्रदेश में ऐसा हो रहा है, घोषणाएं बहुत मुख्यमंत्रियों ने की हैं, लेकिन आज जब हमारे खिलाड़ी पहली बार गोल्ड मेडल लेकर के जब पहली बार मुख्यमंत्री जी के आवास पर उनसे मिलने गए तो नियुक्ति पत्र एक गजेटेड ऑफिसर का जो डिप्टी डायरेक्टर का नियुक्ति पत्र जो देने का काम किया अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है और इससे बड़ा उदाहरण किसी पार्टी को कुछ हो नहीं सकता। तो ये थे खेल मंत्री संजय सिंह जिनका सीधे तौर पर कह रहा है कि विनेश के ऊपर राजनीति जरूर कर रही है कांग्रेस, लेकिन भाजपा खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में 17 तारीख को रोहतक में एक कार्यक्रम किया जाएगा जहां खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम।